when we see this horrendous sight, it makes me feel how important it is a thorough investigation and accountability. I am glad that the International Criminal Court is seized of this situation, that the prosecutor's office was already here. ये थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने गुरुवार को यूक्रेन की यात्रा की और उस बूचा शहर भी गए जहां रूसी सैनिकों पर बड़े पैमाने पर नरसंहार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। रूसी सैनिकों पर निहत्थे नागरिकों की हत्या करने और महिलाओं के बलात्कार तक के आरोप लगे हैं। I fully support the International Criminal Court and I appeal to the Russian Federation to accept to cooperate with the International Criminal Court. But when we talk about war crimes, we cannot forget that the worst of crimes is war itself. बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 2 महीने हो रहे हैं और अब तक न तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर सका है न ही उसने हमलों में किसी तरह की कमी की है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच कई बार बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र समाचार एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों ने जोर देकर कहा है कि रूसी सैनिकों ने बूचा में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। रूस इससे इनकार करता आया है।